नमस्कार साथियों, एमसीजी एकेडमी ग्वालियर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएफ की ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं। मैं लगातार आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस वीडियो जो है लेकर के आ रहा हूं। इन भाई का एक्सपीरियंस बहुत ही कुछ अजब और गजब प्रकार का है, इनको आपको सुनना ही है। उनका कुछ इस प्रकार से कहना है कि यदि उनका मन होगा तो लेंगे और मन नहीं होगा तो नहीं लेंगे। उनकी मुँह जवानी आप कहानी सुन लीजिए और उन्होंने आपको एक एक बात क्लियर की है कि किस प्रकार से आपको क्या करना है। इनके यदि मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका ट्रेड किसी भी हो और आपका कोई भी एक्सपीरियंस वीडियो हो, आप प्रत्येक को पूरा लाभ तक देखिएगा, जिससे क्या है आपको हर एक वीडियो का अनुभव आपको हो सकेगा कि वहाँ से क्या करवा रहे हैं। और हर एक व्यक्ति का आप सुनोगे तो आपको एक नया अंदाज़ा महसूस होगा। आपके पिछले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, यदि आप कोई भी हमसे क्वेश्चन पूछते हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी भी साथी से पूछ करके ही उसका आंसर देते हैं। तो यदि आप लोगों के भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा जो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है वो है, आपको बताना चाहूँगा, 9303315 and 375। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मेरा चैनल है ये स्टडी चैनल है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा आरपीएफ ट्रेड टेस्ट नाम से जो मैंने चैनल क्रिएट किया है हाल ही में। नीचे जो मेन चैनल है एमसीजी एकेडमी, उसी के नीचे मैंने क्रिएट किया है आरपीएफ ट्रेड टेस्ट, जहाँ पर सारे के सारे बच्चे आरपीएफ ट्रेड टेस्ट वाले ही इकट्ठे हुए हैं। जितने भी बच्चे हैं, आगे से उनको जो भी अपडेट होगा उसी चैनल पर दिया जाएगा, क्योंकि इस चैनल पर हमारा स्टडी मटेरियल होता है। इस कारण से आपसे संबंधित जो कोई भी होगा, मैंने जब प्लेटफॉर्म तैयार किया है तो आपको जब तक आपके लिए एक एक अपडेट लाता रहूँगा, जब तक कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको स्पेशली इसी तरीके का बिहेवियर करना है और आप लोगों को अपना भी एक्सपीरियंस लगातार शेयर करना है। मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपका कोई भी प्रश्न होगा आप किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा और प्रत्येक का अनुभव अंत तक सुनिएगा, जिससे आपको अच्छा सा महसूस हो और आप भी अपने जो है क्वेश्चन हम तक पुट कर सकें, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में ही हम लेकर के आते हैं। इसी के साथ इनको अंत तक सुनिएगा। कुछ है नहीं, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं था ज्यादा। सर, हम तो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपसे मांगना चाहते हैं कि आपके साथ मतलब क्या क्या हुआ, क्या आप कुछ बात रखना चाहते हो, आप लोगों से कुछ यदि कोई आप कोई अपनी बात रखना चाहते हो सभी लोगों के सामने, क्योंकि इस वीडियो को आप हजारों लोग सुनने वाले हैं। कोई आपका कोई विशेष मोटिवेट हो अपने भाइयों के लिए, कोई ऐसा बात हो जिससे उनका क्या है कि निकल जाए, क्वालिफाई हो जाए, कुछ ऐसी बात कहिए जिससे आपके भाई लोग मोटिवेट हों, या क्या क्या हुआ, किस प्रकार से क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन ले जाना है, किस प्रकार से जाना है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा बता दीजिए सर। जैसे क्या है, बच्चे लोग घबराते नहीं है, जो नए नए बच्चे डॉक्यूमेंट का सुन लो सर, शुरुआत से बता दीजिए सर, जिससे क्या है कि एक सिक्वेंस हो जाता है, अपना नाम कौन से ग्रुप से हो और किस दिनांक को आपका था। ये सर, मेरा नाम नीरज पांचाल है। यस सर, मैं बी ग्रुप से था। यस सर, और मेरा ये ट्रेड और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो 10 तारीख को था, वो भी नासिक में। नासिक में था सर। यस सर, ठीक है। यस सर, और वहाँ जैसे ही मैं सुबह पहुँचा तो मतलब एक सीरियल नंबर दे रहे थे वो आपको, मतलब जो आप जितने नंबर पे आपका नाम हो वो सीरियल नंबर था आपका। यस सर, वो सीरियल नंबर बोल रहे थे, बस वो सीरियल नंबर आपको याद करना था अपना, क्योंकि उसी से आप आगे चलोगे। सर, वो सीरियल नंबर यदि याद नहीं किया तो, या हम भूल गए तो बोलेंगे, आपका नाम बोलेंगे, आप खड़े हो अपने पापा का नाम बताओ, फिर वो तुम्हें सीरियल नंबर बताएंगे। ऐसा सर, यदि सर हम उस सीरियल नंबर को याद नहीं रख पाए फिर क्या करना है सर, उसका कोई उपाय है? याद नहीं रख पाए हाँ, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा काम, मतलब उसको याद रखना, तो याद रखना ही रखना है। यस सर, यस सर, हाँ, नहीं तो वो क्या है, वो सिक्वेंस फिर वो मिला नहीं पाते ना, मिला नहीं पाएंगे तो फिर वो तुम सबसे एंड में होगा तुम्हारा। यस सर, इससे अच्छा है कि आप याद ही कर लो उसको। हाँ हाँ सर, उसके बाद सर क्या हुआ? उसके बाद फिर वो ले गए हमें ट्रेड टेस्ट के लिए। यस सर, तो 50-50 लोगों का ग्रुप था। यस सर, तो एक बार में वो 14 लोगों को ले जा रहे थे। 14 लोगों को एक बार में? यस सर, हाँ। और उसमें ऐसा था मतलब 7 काउंटर थे, 7 काउंटर पे 2-2 व्यक्ति थे। यस सर, मतलब 7 काउंटर थे और एक काउंटर पे 2-2 व्यक्ति थे, तो 14 हो गए। अच्छा, 2-2 कर दिए सर? नहीं, करना अपन को अलग ही अलग है, वहाँ दो गेस्ट चूल्हे रहेंगे, वो उससे करना अपन को अलग ही अलग है सर। अच्छा सर, तो काउंटर 7 है और 2 लोग हो जाते हैं। यस सर, यस सर, और ऐसा है सामने सर बैठे रहते हैं तो वो सीधा बोलते हैं, एक साथ देते हैं सभी को, ये आप ये करके दिखाओ हमें।
सर स्टॉप वॉच वगैरह लगी रहती है कि सर वो अंदाजे से नहीं ही? नहीं स्टॉप वॉच कुछ नहीं है, टाइमिंग रहती है। जैसे वो आपको बोलेंगे रोटी बनाओ, सब लोग एक ही रोटी बनानी है सबको। सबको एक रोटी बनानी है। हाँ उसमें टाइमिंग वही दे देते हैं 5 मिनट के आसपास, 5-6 मिनट, मतलब 5-6 मिनट में हो जाता है। अच्छा सर एक बार यहाँ सर हमें ये बताइए सर, बेलना किस प्रकार का रहता है, किस प्रकार से हमें बेलना होता है, किस प्रकार की गैस रहती है, किस प्रकार से, मतलब थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। हाँ ये बताया, गैस जो अपनी घरवाली रहती है वो नहीं रहती वहां पे, सर कौन सी गैस रहती है सर? वो जो भट्टियों में लगी रहती है ना वो वाली सर रहती वो बड़ा वो वाला गैस। जो चूल्हा चूल्हा रहता है वो सर? हाँ जो मैस वगैरह चलाते हैं ना लोग हाँ सर वो रखे रहते हैं। हाँ यस वही सर। वाली है, और सर वो बड़ा वाला तवा रहता है जो बहुत देर में गर्म होता है, मतलब हाँ ऐसे आइटम रहते हैं उनके जो घरवाली एक ही आइटम ही रहता है। अच्छा सर हाँ और वहाँ कुछ भी बोल रहे थे, मतलब बोल देंगे आप ऑमलेट बना के दिखाओ। हमारे अच्छा सर जैसे क्या क्या बनवाए थे सर आपके बैच में? अच्छा बैच में हमारे पहले वाला बैच था उससे भिंडी बनवाई थी सब लोगों से, भिंडी की और सब्जी कटवा कटवा के बनवाते हैं कि कटी हुई रखी रहती है सर? नहीं वहां सब सब्जी रखी रहेगी, आपको बोला जाएगा आप भिंडी बना के दिखाओ। यस सर हाँ वो सब लोगों को एक ही टास्क देते हैं वो, ठीक यस सर है। अब वो जब उनका मूड अच्छा रहता है तब वो बोलते हैं कि मतलब जिसको जो बेस्ट आता है वो बना के दिखा दो, उनका मूड ऐसा कभी होता नहीं, ठीक यस सर है। उसके बाद आपको मतलब उन्होंने बोला तो हम लोगों ने बनाई, बनाने के बाद एक सर आए सबके काउंटर से देखते गए, मतलब उनका कहना रहता है कि रोटी पतली हो, ज्यादा बड़ी नहीं हो और गोल हो, वो पूरी तरह से फूली होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो आपको फेल कर दिया जाएगा। सर रोटी गोल होना चाहिए, छोटी होना चाहिए, पतली होना चाहिए और फूली होना चाहिए, हाँ फूली फूली का विशेष ध्यान रखना। फूलने का विशेष ध्यान रखना है। हाँ वो पपड़ी है सेव का ऐसे पूरी निकल गई पपड़ी आपकी तो सही है, नहीं हाँ निकली तो ऐसा यस सर यस सर। और है। बताएं। तो हाँ सर और बताइए उसके बाद। हमारे बैच में मैंने और मेरे एक मतलब जो काउंटर पे था उसने दोनों ने बनाई थी, दोनों की फूल गई थी। आए वो सर, उन्होंने देखा तो उन्होंने हमारी रोटी का पूछा बगल वाले से, तो वो लड़का बोला हाँ सही है इसमें क्या खराबी है सर, इतनी अच्छी रोटी बन नहीं सकती है। वो उसका पूछा हमसे तो हमने भी यही बोला, तो उन सर ने हम दोनों लोगों को बड़े सर के पास भेजा, बड़े सर के पास लेके गए रोटी, तो वो बीए निकालने लगे, मतलब बोलने लगे तुम्हारी रोटी थोड़ी कर्जी है और तुम्हारी गोल्डन आई है, मतलब ये तो कुछ हाँ भी हाँ बहाने दे रहा है अब। हाँ हाँ सर उनको क्या है, कम से कम बच्चे लेना है सर। हाँ कितने भी अच्छा कर लो तुम, कुछ उन्हें नहीं लेना है, अगर उन 14 में से एक भी तो एक भी नहीं लेंगे, वो बोल रहे खराब बना है तुम्हारा, सही है सर। दो सीटें उनके मुंह पे हो गए आप, हाँ सर ठीक है। अगर हाँ सर उन्हें लेना है तभी लेंगे, नहीं लेना है तुम कुछ भी कर लो लेंगे नहीं। हाँ अच्छा सर एक बात और बताइए सर, जैसे रोटियां कुछ लोग तवे पे भी फुला रहे होंगे सर, तवे पे भी रोटियां फुला सकते हैं सर? नहीं, गैस पे ही फलाना। गैस पर ही फुलानी है हाँ सर? कुछ बच्चों का आप मेरी एक्सपीरियंस वीडियो सर सुनते हो सर? क्या आपने सर मेरी एक्सपीरियंस वीडियो सुनी है इससे पहले सर? नहीं मैंने नहीं सुनी, आपका नाम क्या है। सर मैं एमसीजी एकेडमी ग्वालियर से बोल रहा हूँ सर। मेरी क्या है, हर एक जो जितने ही बंदे दे करके आते हैं मुझे एक्सपीरियंस अपना बताते हैं, मैं शेयर करता हूँ सभी लोगों के साथ, जिससे क्या है जितने भी नए बंदे हो तो उनको डर ना लगे, तो वो एक्सपीरियंस हाँ वाले। तो बस हाँ बता दिया हमने तुम्हें, ये सब मतलब वहां उनके मूड पे है, अगर उन्होंने चाहा तो तुम्हें सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं चाहा तो नहीं करेंगे। ऐसा सर, यदि हम बेस्ट ऑफ बेस्ट देंगे फिर भी यदि उनका मूड है तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे कितना भी और बेस्ट दे दो। ऐसा सर। हाँ उनके मूड पे, एक तो पहले देखो आपका अगर कोई वहां है उस फोर्स में तो आपका काम हो जाएगा, अच्छा थोड़ा सा भी सपोर्ट लग जाए ना काम हाँ हो जाएगा, ऐसा काम हो जाएगा। हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। और फिर ऐसा है देखो, आप कितना भी बेस्ट दो अगर सामने वाला ये बोल रहे कि नहीं है सही नहीं है तो आप वहां क्या कर लोगे, ये भी सही है सर आपका, कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ भी नहीं कर सकते सर। हम लोगों को ऐसा लगा था मतलब वो बोले हैं, हमने सोचा हो गया, हम लोगों को बढ़ाया है बड़े सर ने, तो मतलब अब जब वहाँ रिजल्ट अनाउंस हुआ तो वो सब फेल कर दिया, सबको फेल कर दिया। सभी को फेल कर दिया। हाँ मतलब यही समझ लो कि 550-600 लड़के थे जिसमें 45 लड़के लिए थे। कुल 45 बच्चों का सिलेक्शन हुआ सर? हाँ सर अब उसमें इनमें से कुछ तो मतलब ऐसे समझ लो कि जो उनके हेलो या रिलेटिव थे या कोई उस फोर्स में ही था क्योंकि वो घूम रहे थे वहाँ,
अपने बच्चों का परिचय करा रहे थे। हाँ ये था। और कुछ मतलब लड़कियां आती तो उन्हें तो ले ही ना पड़ता, लड़कियों 6 लड़कियां आती जिसमें से 3 सिलेक्ट नहीं थी, बाहर हूँ। अब बताओ सर, लड़कियों का 50% रहा और लड़कों का कोई परसेंट नहीं रहा। हाँ कुछ भी नहीं था, आप तुम कुछ भी समझ लो यार, सब गड़बड़ है वो तो। अच्छा सर, तवा बताइए सर, तवा किस प्रकार का होता है सर? क्या लोहे का तवा है या सर एल्यूमिनियम का? कल क्वेश्चन आए थे सर, कुछ बच्चों के क्या क्वेश्चन रहते हैं तो उनको क्लियर करना होता है सर। नहीं, क्वेश्चन कुछ भी नहीं, क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं पूछ रहे ना सर? कुछ भी नहीं। अरे और सर तवे का बताइए सर, तवा किस प्रकार का रहता है? जो आलू टिक्की वगैरह बनती है ना, जो ठेलों पे जो अच्छा बड़ा बड़ा वाला, तवा वो रखे रहते हैं। बड़ा आलू बल्ला वाला तवा, हाँ वो ही बड़ा वाला है। बड़ा वाला तवा था सर। और सर उसके बाद क्या हुआ सर, जो 45 लोगों का सिलेक्शन हुआ फिर? फिर वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हाँ सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या करवाना पड़ा था सर, कुछ जानकारी सर? हेलो सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या करवाना पड़ा था सर, कुछ जानकारी सर आपको? उसका हमें क्या पता, फिर हम लोग पहुंच ही नहीं पाए अंदर। अरे सर आपके साथ से कोई है जो इस बारे में हमें बता सके सर? कोई नहीं निकल पाया, सर आपके साथ से कोई भी नहीं निकल पाया सर? हम बोल तो रहे मूर्ख है उनका, मूर्ख बना तो है नहीं, तो नहीं कुछ नहीं। सर आप कुछ ऐसा अपने भाइयों से कहना चाहोगे जिससे उनका थोड़ा मोटिवेशन मिले सर? थोड़ा सा कुछ ऐसा कहिए दो शब्द इसको, अब हजारों लोग सुनने वाले हैं सर, 20 से 25 मिनट में सर आप भी इसे सुन सकते हो सर अपनी यूट्यूब पर चैनल पर। हम बस यही कहना चाहेंगे मतलब कि आप मतलब अच्छी सफाई से जाना, अच्छे कपड़े पहन के जाना, हाँ और सर, मतलब ये सब देख रहे वो लोग मतलब कि इस बंदा क्या कर सकता है, और वहाँ घबराना बिल्कुल भी नहीं। और अच्छे कपड़े भी देख रहे हैं सर, ड्रेसिंग सेंस का भी मतलब इफेक्ट पड़ रहा है सर। ड्रेसिंग का भी वहाँ मतलब सर के सामने आप जाओगे तो वो देखते हैं कि हाँ बंदा क्या है, मतलब कैसा है। हाँ सर वाटर कैरियर से था क्यों सर आपका? हाँ सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना जो है अनुभव शेयर किया, आपके भाई लोगों को इससे बहुत मदद मिलने वाली है सर, आप समझ नहीं सकते आपने कितना बड़ा उपकार किया उन पर। साफ सफाई करके जाना, मतलब नाखून वगैरह बाल माल सब का ध्यान देना। अच्छा ये भी सब कुछ भी देख रहे हैं सर? हाँ वो कहीं पे भी निगाह डालकर। हाँ सर, ये भी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये छोटी छोटी बातें हैं सर जो लोगों को सिलेक्शन दिलाएंगी सर। हाँ देखो आप, देखो हम तो बोल दिया, आप बंदा जितना बेस्ट करेगा उतना ही अच्छा है। थैंक सर जी आपका कहना बहुत ही सही है सर। यू। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।